स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, ये बात सबको मालूम हो चुकी है कि लता मंगेशकर अब 12वीं बीच में नहीं रही है। वो दुनिया को अलविदा कह चुकी है और इस बात का गम हम लोगों ने 6 जनवरी को देख ही लिया था। जी हाँ, जब सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई भावुक हो उठा था जब उन्होंने देखा कि ये आखिरी झलक हम देख पा रहे हैं लता मंगेशकर की। लेकिन इस रिपोर्ट में हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कुछ लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही है अंकिता लोखंडे की। बता दें कि पूरा देश गम में डूबा था, पूरा देश की आंखें नम थी और हर कोई लता मंगेशकर के अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहा था कि अब जहां भी जाए लता मंगेशकर हमेशा वहां पर सुरक्षित रहे। सबको मालूम है कि प्रस्थान कर चुकी है लता मंगेशकर स्वर्गवास में, लेकिन फिर भी लोगों को ये था कि शायद वो पल खत्म हो जाए और लता मंगेशकर एक बार उठ के गाना जरूर गा दे। उनका फेमस गाना लग जा गले, लोग इस गाने का बेहद इंतजार कर रहे थे। भले ही शास्त्री पार्क में ही उनके सारे गाने चल रहे हो, लेकिन एक बार असलियत में लता मंगेशकर ऐसा करती तो सब लोग खुश हो उठते। लेकिन इस खबर में अब अंकिता लोखंडे क्यों ट्रोल हो रही है, उस बात पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, पूरा देश जहाँ गम में था वही अंकिता लोखंडे अपने पति के साथ गाड़ी में राइड करती हुई और मस्ती करती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से जो फैंस थे वो काफी ज्यादा भड़क गए। और अंकिता लोखंडे ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर दी थी, जिस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि कितनी बेशरम औरत है कि किस तरीके से आज के दिन भी इतनी पागलपंती करती हुई नजर आ रही है। इस चीज को लेकर अंकिता लोखंडे को लगातार ट्रॉल किया गया और बोला गया कि तुम ही हो जिन्होंने सुशांत को भी मजबूर किया था कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, और आज लता मंगेशकर के लिए जहाँ पूरा देश भावुक हो उठा है, आंखें नम है, वहीं पर तुम मस्ती करती नजर आ रही हो, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। इस बात को लेकर अंकिता लोखंडे को इतना ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है, लगातार गुस्सा हो रहे हैं लोग उनपे। लेकिन वहीं पर अंकिता लोखंडे का अभी तक इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि उसके बाद से और ज्यादा पोस्ट अपलोड कर चुकी है अंकिता लोखंडे। इससे तो यही मालूम होता है कि शायद अंकिता लोखंडे के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन अगर अभी तक आपने उनकी फोटो और वीडियोस नहीं देखी है और आपके क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर कि अंकिता लोखंडे में इंसानियत बची है या नहीं, इसको लेकर कमेंट जरूर करिए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।